खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम में आमीन। इंग्लिश का वही टाइटल रहेगा, खादिम हुसैन रिज़वी, इमाम खादिम हुसैन रिज़वी। मुझे ज्यादा नहीं पता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता काफी मालूमात मेरे पास पहुंच रही हैं। एक मालूमात मेरे पास ये भी पहुंची है जिसमें मुझे बताया गया कि ये पाकिस्तान में इमामों में ये लंगड़ा शैतान है, यानी खादिम हुसैन रिज़वी। मेरे सुनने में जो मैंने एक दो आपकी तकरीरें सुनी जिसमें खादिम हुसैन रिज़वी ने अली जनाब प्रेसिडेंट, हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे बराक हुसैन ओबामा, उसको इसने कहा कि इसके कान जो है वो गधे के कान है, ये खादिम हुसैन रिज़वी ने अपने एक बयान में बोला है। फिर एक बयान में उसने ये भी कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ये सुअर है, ये मैंने खुद सुना है। ये वो गधे के कान वाला ओबामा उसको भी परेशान कर गया, वो बरतानिया का सूर खाने वाला उसको भी परेशान कर गया, वो कनाडा का गधा जो हींगता है और हां हां करता है मुमताज कादरी के खिलाफ उसको भी परेशान कर गया। इमाम खादिम हुसैन रिज़वी, तुम्हारे बारे जो कमेंट्स मिले हैं वो ये है कि तुम लंगड़े शैतान हो, और तुम लंगड़े शैतान होने के नाते किसी के कान गधे की तरह बनाते हो और किसी को तुम सुअर कहते हो। तुम हो कौन, तुम्हारी हसीयत क्या है? हो तुम लंगड़े शैतान और हमारे प्रेसिडेंट को तुम सुअर कहते हो? चाहिए तो ये कि तुम्हारी जुबान खींच ली जाए, चाहिए तो ये कि तुम्हें जिंदगी भर का सबक सिखा दिया जाए, लेकिन फिर भी हम मौका देते हैं कि तुम अपनी जात में अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, और जिन जिन लोगों को तुमने गालियां दी हैं उनकी उनसे माफी मांगो। ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है, और फैसलाबाद के लोगों के लिए जिनके ऊपर तुम लोगों ने ज्यादती की है, खादिम हुसैन रिज़वी, अगर हम चाहें तो तुम्हें सबक सिखा सकते हैं। एक हम इंसान होने के नाते और मसीह के पुजारी होने के नाते हम कुछ दरियादिली का सबूत देंगे, और तुमको ये जरूर कहेंगे कि मसीहों के साथ प्यार करना सीखो, जुल्म करना नहीं। यही बाकी उन लोगों के लिए जो मसीहों के लिए अनाज रखते हैं, वो प्यार करना सीखें, जुल्म करना नहीं। क्योंकि अगर हमने भी वही एटीट्यूड ले लिया तो फिर क्या बनेगा? हम हर लिहाज में, हर फील्ड में आपसे बेहतर हैं मुसलमानों। खादिम हुसैन रिज़वी आपसे बहुत बेहतर है। जितनी मराहत है दुनिया जहान में वो मसीहों की बनाई हुई हैं, और तुम लोग इस्तेमाल करते हो। ख्याल रहे कि हमारे लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें। हम आपसे बहुत ऊपर हैं, हम आपसे बहुत बेहतरीन हैं, सबसे बेहतरीन हैं जो मसीही कौम है। इसलिए आप मसीहों से पंगा लेने के लिए अपने आप को बाज रखें और जरूरत ना करें, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये धमकी नहीं है, अभी भी हम प्यार से बात कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दें।